गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग यू। एज यू नो, वी हैव कंप्लीटेड टू चैप्टर्स इन इंग्लिश कोर्स बुक, वर्कशीट वन फ्रॉम योर वर्क बुक एंड सम टॉपिक्स इन ग्रामर। नाउ इट इज़ द टाइम टू नो हाउ सीरियस यू हैव टेकन दैट स्टडी विच वी हैव टॉट यू। आप लोगों ने दो चैप्टर इंग्लिश कोर्स में कंप्लीट कर लिया है, वर्कशीट वन वर्कबुक से, और कुछ टॉपिक में ग्रामर में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब यह जानने का समय है कि आप लोगों ने इस पढ़ाई को कितना सीरियसली लिया है। सो देयर विल बी ऑनलाइन एग्जाम ऑफ यूनिट टेस्ट, इसलिए आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका यूनिट टेस्ट का। एज यू नो, वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस COVID-19 वाइल रिमेनिंग सेफ। आपको इस COVID-19 में सुरक्षित रहते हुए भी आगे बढ़ना है, और योर मार्क्स विल बी एडेड टू द रिजल्ट। आपका मार्क्स जो है वो ऐड होगा आपके रिजल्ट में, जो आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट होगा उसमें आपका यूनिट टेस्ट का मार्क्स ऐड होगा। सो यू हैव टू ब्रिंग गुड मार्क्स, यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो आई एम स्टार्टिंग योर रिविजन अगेन। द नोटिस ऑफ योर एग्जाम विल कम थ्रू द मैसेज इन योर मोबाइल। Hence, those who were not yet taking serious for studies, be serious and listen carefully what you are being told line by line. आप लोग कम एग्जाम का मैसेज आ जाएगा, और जो अभी तक स्टडी को लेकर सीरियस नहीं हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई करेंगे तो वो सीरियस हो जाए, एग्जाम की तैयारी करें, और अब बिल्कुल लाइन बाई लाइन केयरफुल्ली किसी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू योर इंग्लिश पोर्शन फॉर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में आपका क्या पोर्शन आ रहा है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। पोर्शन ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश ग्रामर, नाउंस, प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर इन इंग्लिश वर्क बुक वर्कशीट वन एंड फ्रॉम इंग्लिश कोर्स बुक टू चैप्टर्स। फर्स्ट, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। Second, be careful what you wish for. So be serious and listen all things carefully. I am going to start revision of grammar and today's topic is nouns. I have already told about this topic. You have another chance to listen each line carefully and remember it. Learn all definition and note the example carefully. अब आपके पास दूसरा मौका है, एक बार पहले भी आपको इसका मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये आपके पास दूसरा मौका है, तो इसलिए अब ध्यान से सुनिए, प्रत्येक डेफिनेशन को लर्न करिए, जो एग्जांपल बताया जा रहा है उसे नोट करिए और ध्यान से सुनिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउन्स, तो व्हाट इज नाउन? नाउन्स रेफर टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और फीलिंग्स। नाउन क्या है, किसे बताता है? कि पर्सन्स के बारे, व्यक्ति के बारे, एनिमल के बारे, प्लेस के बारे, थिंग के बारे, और फीलिंग्स जो हमारी भावनाएं होती हैं उनके बारे। फॉर एग्जांपल पर्सन, तो यू कैन टेक नेम ऑफ एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल रोहन, ज्योति, श्याम, पीटर। एनिमल, नेम ऑफ एनी एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, काउ, इत्यादि। प्लेस, नेम ऑफ एनी प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मुंबई, लंदन। थिंग, नेम ऑफ एनी थिंग, चेयर, बॉल, पेन, पेंसिल, टेबल। फीलिंग, एनी फीलिंग, काइंडनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इत्यादि। तो सो नाउन रेफर्स टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और फीलिंग्स। आई एम गोइंग टू टीच यू फोर टॉपिक्स इन नाउन्स। फर्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन्स, जेंडर ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन। बट टूडे आई विल टीच यू काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Now we can see each by one by one. First, proper noun.
प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है, जो सिंगल, ये याद रखिएगा, सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग को रेफर करता है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ताजमहल, द बाइबल, रिया। सेकेंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स पर्सन्स और प्लेसेस। कॉमन नाउन क्या है, किस जातिवाचक, किसी जाति को जो संबोधित कर रहा है, जो सबके लिए कॉमन हो, जैसे किसी चीज के लिए, पर्सन के लिए, प्लेसेस के लिए, तो जिसे किसी जाति का बोध हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, बॉयज मैंने लड़के लड़कों का बोध हो रहा है, गर्ल्स लड़कियों का। टीचर, टीचर में क्या है, ही और सी, मेल फीमेल दोनों आते हैं। कंट्री, किसी भी कंट्री का नाम, सिटी, रिवर, किसी रिवर का नाम, तो उसमें वो जाति का बोध होता है। अगर हम द गंगा बोलते तो क्या है, वो रिवर है, तो वो अगर द गंगा बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और रिवर कॉमन नाउन हो गया। तो नेक्स्ट काइंड्स आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास, यू कैन सी द होमवर्क, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट डैश रेफर टू पर्सन एनिमल्स प्लेसेस थिंग्स और फीलिंग्स। जो पर्सन एनिमल्स प्लेसेस और थिंग्स को रेफर करता है उसे क्या कहते हैं। सेकेंड डैश नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, कौन सा नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। थर्ड डैश इज अ नेम विच रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग, कौन सा नाउन है जो सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग को रेफर करता है। नेक्स्ट डैश इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स पर्सन और प्लेसेस, कौन सा है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर्सन्स के लिए और प्लेसेस के लिए कॉमन है, कौन सा नाउन है। टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन, टीचर कौन से नाउन का एग्जाम्पल है। तो यू हैव टू डू दिस होमवर्क। थैंक यू।